नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में नाराज नेताओं को संगठन में स्थान मिल सकता है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर नाराजगी देखने को मिलती है और नाराज नेता चाहते हैं कि उन्हें उचित स्थान मिले, पर कांग्रेस में ऐसा नहीं है। वहीं अलग अलग जाति वर्ग के लोगों के चुनाव लड़ने के अलावा पर कहा कि ये सरकार की नाकामी जिसके चलते कई प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। यदि सरकार सही तरीके से काम करे तो लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़े। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह कमजोर सीटों पर जाने लगे हैं, कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। गोविंदपुरा गए, फिर नर्मदापुरम का उन्होंने दौरा किया। ये वो सीटें जो कई सालों से, कई चुनावों से कांग्रेस ने नहीं जीती है। तो सर, उम्मीद है कि 2018 में जैसे सरकार आपकी बन गई थी इस फॉर्मूले से, दिग्विजय सिंह ने संगत पे पंगत की थी, तो यही फॉर्मूला फिर से एक बार कि दिग्विजय सिंह इंटरनल काम करेंगे और कमलनाथ बाहर से लीड करेंगे, पार्टी को मंचों पर दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। उस समय हुई थी उनकी एक नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा यात्रा नहीं परिक्रमा, और वो भी 3500 किलोमीटर की थी। इस बार राहुल गांधी जी की 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी कश्मीर तक हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो करीब 380 किलोमीटर चले और समर्थन मिला। और ये एरिया वो था खरगोन निमाड़ और मालवा का, जहाँ कांग्रेस कमजोर आकी जा रही थी। अब वहाँ भी मजबूत, ये विंध में और जो 13 में था उससे ज़्यादा समर्थन मिलेगा। ग्वालियर चंबल में भरपूर सीटें आएंगी, महाकौशल में तो ताकतवर कांग्रेस पार्टी है ही। कुल मिला के अब 114 नहीं आएंगे, 174 से ज़्यादा आएंगे, जिससे खरीद फरोख्त पे भी रोक लगे, कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह की वही भूमिका होगी, इंटरनल कार्यकर्ताओं को उनकी नाराजगी दूर करना, एकजुट रखना, गुटबाजी ना होने देना। नहीं देखिए, कांग्रेस में चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, या और वरिष्ठ नेता हों, पचौरी जी हों, राहुल सिंह जी हों, अरुण यादव हों, ये सब इसी बात में लगे, गुटबाजी नहीं हो और पूरी ताकत से एकजुट होकर कांग्रेस लड़े। खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर आज जिस तरह का आक्रोश है, मैंने जो बार बार कहा पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर इतने आंदोलन, मैं भी मतलब पार्षद से यहाँ तक आया हूँ, पर इतने आंदोलन कभी मैंने देखा नहीं। और बिजली की स्थिति ये है कि गरीबों के तो उखाड़ लेते हैं ट्रांसफार्मर, और जिनने जमा किए हैं उनके भी काट देते हैं। अभी यहीं पे अभी आधे घंटे से बिजली गई हुई थी, तो ये 2003 जैसी स्थिति आ गई है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, देखना कि कटौती नहीं हो। कल ही उनने ऊर्जा विकास उसमें कहा कि नहीं हो, और बिजली के रेट अलग बढ़ने वाले हैं। कमलनाथ जी की सरकार थी, 100 रुपये/यूनिट आता था। ये बड़े बड़े नेताओं के बिजली के बिल अदा नहीं हुए हैं। जो ऊर्जा मंत्री है, 300 करोड़ उसके क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन गरीबों की बिजली के लिए डीपी और ट्रांसफार्मर उखाड़ रहे हैं। ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, लोग बेरोजगार, आत्महत्या, आक्रोश है, पूरा मध्य प्रदेश इसमें आक्रोश में। ये आक्रोश एक ही चीज़ से निकलेगा, जब ये सरकार को जनता पलट देगी। 2003 हाँ, तो बोल रहा हूँ, गिरने की बात ही नहीं, मतलब उस समय जो हमारी चुनाव में जो स्थिति हुई उससे खराब इनकी होने वाली, क्योंकि ये सब चीजें आज नहीं है। चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उससे बुरे आने वाले हैं, ये मान के चलिए बीजेपी के लिए। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।